Big Bird on the Pop. Big Bird on the Pop. ਤੂੰ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਅੱਲੜੇ ਅੱਖ ਬਾਰਾਂ ਗੇ ਜੀ ਸ਼ੌ ਟਿਕਾਂ ਦੇ ਅੱਲੜੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਦੀਆ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਦੀਆ। ਆਪ ਭਈਆ ਜੀ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਭਈਆ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਧਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਇਧਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਤੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हम देखा कि यहाँ पे मार्केट खत्म हो जाता है दोस्तों। तो आप देख रहे हो दोस्तों, मार्केट से हम निकलते हुए आगे की ओर और बढ़िया से यहाँ पे मार्केट दिखता हुआ हमको लोग आते जाते। बुड़ेल मार्केट, यहाँ पे बुड़ेल मार्केट में आप देख रहे हो यहाँ पे कई यहाँ पे जो है कपड़े की दुकानें हैं। और फिर हम आगे की ओर जाते हुए की दुकान, यहाँ पे लड्डू वड्डू की दुकान। क्या क्या है भैया, कितने के? अच्छा कैमरा नहीं, कैमरा से डर लग रहा है भाई साहब को, तो उन्होंने मना कर दिया। 40 रुपए के यहाँ पे मोमोज मिलेंगे बढ़िया से। ये तो यहाँ पे हमारी मुलाकात पंडित जी से हुई है और दुकान में बैठे हैं। इनके मित्र होंगे ये, आपके मित्र है? जी जी, बाल मित्र है और पंडित जी से हमारी बातचीत हो रही है, तो देखते हैं इनकी बात करते 2 मिनट। नहीं, मैं मेरा नाम आचार्य रविंद्र कुमार मिश्र है, मैं सिद्धांत ज्योतिषाचार्य हूँ और हाँ मैं बनारस संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य की डिग्री लेकर के यहाँ 2001 में आया। तब से मैं बुड़ेल में ही हूँ लगातार, साथ में कर्मकांड का अपना कार्य करता हूँ और अपने ही घर में ऑफिस है, कहीं मैं मंदिर में नहीं हूँ। यहाँ लाला जी से बहुत प्यार प्रेम है हमारा, स्तोत्र का पाठ करते रहे, भगवान शिव का पंचाक्षर स्तोत्र है, शिव पंचाक्षर इत्यादि जो भी स्तोत्र है उसका भी पाठ कर सकते हैं, या रुद्र सूक्त का मंदिर में जाएं तो पंडित जी से कहें कि रुद्र सूक्त से हमारा अभिषेक करा दें, नित्य अभिषेक करावे। रुद्राष्टाध्याय का यदि विद्वान पंडित मिल जाए तो नित्य रुद्राष्टाध्याय से रुद्र अभिषेक कराते रहे, मनोकामना पूर्ण होगी। धन्यवाद, अच्छा लगा आपको बात करके और शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपने हमसे बात की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी जी जी। तो श्रावण आ रहा है दोस्तों, इन्होंने हमको ये सजेस्ट किया कि मंदिर जाना चाहिए, आज की युवा पीढ़ी को ध्यान देना चाहिए इस बात को, तो चलते हैं। अच्छा लगा मिलके आपसे, आगे बढ़ते हैं जी। धन्यवाद धन्यवाद। इस इनकी दुकान में क्या क्या काम होता है हम पूछेंगे एक बार इनसे और चलते बनेंगे आगे। अगर हम बुड़ेल में आते हैं कभी तो क्या क्या मिलेगा यहाँ पे इस दुकान में? आएगा 2 मिनट बात कर लो, चले जाना जी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दुकान के मालिक हैं आप? मतलब मालिक वो है तो ठीक है, मालिक आप ही हो हमारे लिए। तो यहाँ पे ये दुकान में क्या क्या मिलता है आपको? यहाँ पे रॉ मटेरियल फोटो फ्रेमिंग का मिलता है। फोटो फ्रेमिंग और क्या क्या, मतलब जैसे कि सीनरी वगैरह और भगवान के पोस्टर वगैरह, वो सामान है यहाँ पे, कपड़े वगैरह है, पोस्टर है, कपड़े भी मिलते हैं? कपड़े कैसे मिलते हैं? भगवान के, भगवान के कपड़े मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। पूजा का सारा सामान मिलता है, पूजा का सामान मिलता है, जैसे कि हवन वगैरह, अगरबत्ती, धूप वगैरह वगैरह। अच्छा, धूप वगैरह अगरबत्ती मिल जाती है जी, पोस्टर वगैरह, डेकोरेशन का, पूजा का सामान, सारा कुछ मिलता है, सारा कुछ मिलता है जी। जी ऊपर काफी माल है, फिनिश वगैरह की फोटो। अच्छा अच्छा, फोटोज वगैरह ये सब आप देख रहे हो दोस्तों हमारे बैकग्राउंड में यहाँ पे।
तो चलते हैं यहाँ से हम आगे और आगे की दुकान में देखते हैं क्या है। वैसे तो कई सारे दुकान हैं यहाँ और मार्केट से निकलते हुए यहाँ से हम निकलेंगे दोस्तों आगे की दौर और देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे आगे की तरफ जाना है। मार्केट बहुत लंबा है फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम मार्केट में खड़े हैं यहाँ पे और काफी सारे लोगों की भीड़ में यहाँ पे हम इस मार्केट में आ चुके हैं और देख रहे हैं कि कई सारे दुकानें यहाँ पे लगे हुए हैं। कपड़े की दुकानें हैं, सब्जी की मंडी है और मिलेगा भगवान की मूर्तियाँ, भगवान के कपड़े यहाँ पे मिल जाते हैं और कई सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। तो आगे चल के देखते हैं दोस्तों और क्या है मार्केट में, पर मुझे नहीं लगता अब आगे जाने में कुछ है क्योंकि मार्केट इतना भरा पड़ा है और गर्मी बहुत है यहाँ पे। बहुत गर्मी यहाँ पे होती हुई मार्केट में क्योंकि सारे के सारे दुकान जो है चिपक के है, एक दूसरे से चिपक के दुकान है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पे बढ़ती हुई और काफी भीड़ वाला एरिया और भीड़ बढ़ती जाती हुई। यहाँ से जूस पी के निकलेंगे हम हमारे हाजी मौसम्बी का जूस पियेंगे। उसमें विटामिन रहता है, गर्म रहता है और बढ़िया तरीके से बनाना जूस यहाँ पे। बढ़िया भाई साहब जूस बनाते हुए दुकान में जरूरी है दोस्तों। पसीना में इतने सारे मिनरल्स वगैरह हमारे निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। पेमेंट करते हैं और फिर हम आपसे बात करते हैं। यहाँ पे चाइनीज की दुकान है दोस्तों आपके सामने। भाई कितने का दिया एक चाइनीज में, मतलब ये नूडल? 40 रुपीस की प्लेट है नूडल, 40 रुपीस की एक प्लेट है भाई की। और ये देखो भाई साहब रीजनेबल प्राइस है बुडेल मार्केट में, सेक्टर 45 चंडीगढ़ नियर बाय शिव मंदिर। क्या क्या आइटम्स है आपके पास? स्प्रिंग रोल है, मोमोज है, मंचूरियन है, नूडल है, पास्ता है, हनी चिली पैटो है, चिली कॉर्नी फ्लावर है, सब कुछ मिल जाएगा, ऑल चाइनीज आइटम। मार्केट में थकियारे से अंदर एंट्री कर लोगे तो खाने के लिए अपने पास बढ़िया से यहाँ पे मिल जाएगा, है ना? आप फर्स्ट टाइम आओगे, नेक्स्ट टाइम अपने आप आओगे। क्या बात है, एकदम टेस्टी है। तो हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे भैया जी का, एक ऑर्डर हमारा भी ले देना नूडल्स का भैया। सर ठीक है, यहाँ पे एक हम प्लेट टेस्ट करते हैं भाई का कि उन्होंने कहा कि एक बार खाओगे तो फिर दोबारा आओगे यहाँ पे। और ये मार्केट में दुकान है सबसे आखिर में, ये मार्केट के आखिर में आएगा। ईपी का मीटर चंडीगढ़ ही चल रहा है फिलहाल, तो पूरा चंडीगढ़ काउंटर महाराष्ट्र से। हिंदी वैसे समझ में नहीं आती ना मेरी, मतलब बढ़िया है ना, कूल वाली एकदम। हाँ क्या बात है, लोकल लग रहे हैं। क्या बात है, यहाँ पे बढ़िया से भाई की जो हमारी नूडल्स बन रही है और बन के तैयार हो जाएगी। भाई का दिल एकदम बड़ा है, एकदम बिंदास बात की भाई ने अपने साथ, अच्छा लगा हमको हमारा। हाँ ऑलरेडी मोस्ट वेलकम ब्रो। क्या बात है, जियो मेरे शेर जियो, ऐसी बात करनी चाहिए भाई को। तो एक प्लेट हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे और फिर आगे बढ़ते हैं।
भैया ऑनलाइन लेते हैं पैसे, ऑनलाइन ऑनलाइन। क्या भाव दिए केले? केले क्या भाव दिए? कैश तो है नहीं अपने पास, ऑनलाइन ही चलेगा आजकल। अभी हम कपड़ों की दुकान से निकले और शॉपिंग की, वहाँ पे एक ड्रेस लिया मैंने अपने लिए, एक शर्ट लिया और एक पैंट, और आप देख सकते हो कुछ फ्रूट्स भी लिए, भाई देखना आगे। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं आगे देखते हुए सामने की ओर, और पता नहीं रास्ता कैसे क्या होगा, देखते देखते जाना है। मैप नहीं है मेरे पास, मैप लगाना भूल गया मैं, और यहाँ पे बुड़ेल के मार्केट में खो गया हूँ दोस्तों, और मुश्किल है आगे, देखते हैं क्या होता है। हम जा रहे हैं आगे देखते हुए सामने क्या हो, और पता नहीं रास्ता कैसे क्या होगा, देखते देखते जाना है। मैप नहीं है मेरे पास, मैप लगाना भूल गया मैं, और यहाँ पे बुड़ेल के मार्केट में खो गया हूँ दोस्तों, और मुश्किल है आगे, देखते हैं क्या होता है। ऐसा एक्चुअल में बैटरी डाउन हो गई है, और बैटरी डाउन हो के हम इस बुड़ेल के मार्केट में खो गए हैं। हम पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से बाहर निकले, पर यहाँ पे बहुत मुश्किल है भाई, हमें जाना है सैनी गुरुद्वारा। हम पूछते हैं किसी को, भाई सैनी गुरुद्वारा किधर है? सैनी गुरुद्वारा, सैनी गुरुद्वारा, सैनी गुरुद्वारा। अच्छा यार, उन्होंने तो आगे बोला मेरे को, आगे बोला नहीं, मैं तो मांग रहा हूँ। अरे भाई साहब से पूछा मैंने, सैनी गुरुद्वारा जो है मेन मेन रोड है ना? नहीं मेन रोड नहीं, और यहाँ से आप सीधा गुरुद्वारा पूछ रहे हो, कितना पड़ेगा? घूम तो नहीं जाएंगे कहीं? नहीं भाई, बाहर जाना है तो आप यहाँ से इस साइड से लेफ्ट हो जाना, तो आप बाहर हो जाएंगे। टायरों की दुकान की तरफ, टायरों की दुकान, टायरों की दुकान अगर निकलना है तो यहाँ से जब बाहर जाओगे ना, यहाँ से फिर सीधा सीधा जाके राइट होगा। अच्छा, तो भाई साहब हम ये जो बुड़ेल का मार्केट है यहाँ पे, बुड़ेल बुड़ेल का, यहाँ पे हम खो गए हैं, और हमें पता नहीं है कि रास्ता कहाँ से जाता है आगे। पूछताछ करते करते हम निकल रहे हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे पूछ लेते हैं किसी से, भाई सही गुरुद्वारा किधर है? तो फाइनली हम अपने घर के रास्ते पे आ गए दोस्तों। काफ़ी मुश्किल से मार्केट से निकले, आता पता पूछते पूछते, और फाइनली हम अपने घर के रास्ते पे हैं। देखते हैं कैसे पहुँचते हैं, अभी यहाँ तक तो आ गए हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। ये फाइनली हम अपने घर पे पहुंचते हुए, बैटरी डाउन हो गया है, तो चलते हैं, अंकल होंगे। और भाई कैसे हैं? बढ़िया है। और कैसे हैं? ये क्या? ये सेल्फ स्टिक है। सेल्फी ले रहे? हाँ जी। तो ये भाई साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे पीजी के मित्र हैं, और फाइनली अब पहुंच गए दोस्तों बुड़ेल के मार्केट। अगर आप जा रहे दोस्तों तो अपना मैप लगा के जाना, और हाँ आप हो सकता है वहाँ पे गुम हो जाए, क्योंकि काफ़ी चकमा देने वाला एक तरीके का मार्केट है, एक जैसे दिखने वाले रोड है। तो आप प्लीज़ कृपया करके जब भी आप जाओगे तब अपना जो मैप है वो मैप लगा के जाना, और हाँ हो सकता है कि आपको कुछ बैकअप लगे तो वहाँ पे कुछ एरिया में, कुछ दुकानों में पेटीएम नहीं चल रहा है, तो पैसे लेके जाना, साथ में कैश रखना ज़रूरी है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद आपका, देखते रहिए ईपी का मीटर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता है,
और चलते हैं हम इसी बात पे हमारे पीजी में। जय हिंद, जय भारत। तू गबरू नू मन जाना मन यलड़े अख बारे छोटिका ने लड़े दिलां ते निशाने सिद्धे मार दिया दिलां ते निशाने सिद्धे मार।